हे गाइस, वंस अगेन बैक, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए एपिसोड में। लेट्स टॉक अबाउट दुबई। 10 डेज पहले दुबई में एक ब्लास्ट हुआ था, जो दुबई के हिस्ट्री में सबसे बड़ा ब्लास्ट भी कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि दुबई ने इससे पहले कभी भी ऐसा ब्लास्ट नहीं झेला जो शिपिंग पोर्ट में हो, तो ये दुबई में शिपिंग पोर्ट में सबसे बड़ा ब्लास्ट है। आखिर ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से दुबई में उस एरिया में पोर्ट में ब्लास्ट हुआ? एक कंटेनर था, मैं कंटेनर के नेम और डिटेल्स शेयर नहीं करूंगा, कुछ रीज़न ये है कि कुछ इश्यूज ना हो जाए, इसके लिए मैं वो सब शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन स्टोरी जो है वो कहूँगा, वहाँ पर एक कंटेनर था, उस कंटेनर में कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल था, जो कहते हैं कि समर का टाइम है, गल्फ कंट्री में बहुत ज़्यादा हीट रहता है, तो हीट की वजह से वो ओवर हीट हुआ, फिर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। जो शिपिंग पोर्ट है वहाँ से कम 18-22 किलोमीटर तक इसका साउंड गया, और कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, कोई डेथ केस नहीं हुआ, कोई इंजरीज नहीं हुआ, शिपपोर्ट में थोड़ा लॉस्ट हुआ, शिप को लॉस्ट हुआ, वो सब तो इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। तो ये 2021 दुबई के लिए पहला ब्लास्ट था, होपफुल ऐसा ना हो, क्योंकि दुबई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया को पीछे करने वाला है। इतना टेक्नोलॉजी, आपने उसका वीडियो देखा होगा दुबई एक्सपो 2020 का, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में। इतना तेज़ी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, एक एक चीज़ नया निकल रहा है। मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, मैंने एक चीज़ देखा था अंडर वाटर, उन्होंने एक स्पेशली एक ऐसा बनाया, एक स्मॉल केव जैसा अंडर वाटर, जहाँ पर आप डाइव करके विजिट कर सकते हो, बैठ सकते हो, एक सेम फ्लैट की तरह, एक लाइक बंगलो भी कह सकते हो, पूरा का पूरा सेटअप है। तो सोच लीजिए, इतना स्पीड, इतना हाई टेक्नोलॉजी आपको और कहीं नहीं मिलेगा ओपनली। और दुबई एक सोर्स बहुत इजी है विजिट करने का, आपको इजीली फ्लाइट, इजीली वीज़ा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अभी कोविड का टाइम चल रहा है, इसीलिए नहीं मिल रहा। अगर कोविड नहीं रहता, कोई भी बंदा दुबई में इजीली विजिट कर सकता है, एक्सपेंस बहुत कम है। हाँ, कुछ पैकेजेस आपको मिलेगा, इतना इतना चार्ज है, वो पूरा टूरिज्म को लेके। अगर आप नॉर्मली विजिट करोगे, ऐसे ही जाओगे, होटल्स नॉर्मली पकड़ोगे, लो बजट का, बहुत कम खर्चे में आपका हो जाएगा। लेकिन अंदर अगर आपको एक्सप्लोर करोगे दुबई के अंदर, तो एक्सपेंस बढ़ेगा। अगर आप ग्रुप में जाओगे तो लेवल हो जाएगा। तो गाइस, ऐसा और एक्सप्लोजन ना हो दुबई में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमारे भाई बहन जो काम करते हैं गल्फ कंट्री में, जो बाहर एशियन कंट्रीज से आए, वो लोग रहते हैं। तो वाइस ऐसा और आगे ना हो, उसके लिए दुबई जो गवर्नमेंट है उसने बहुत स्ट्रिक्टली एक्शंस लिए है। कि उसका रीज़न क्या है ब्लास्ट का, वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, ताकि वो चीज़ कंटिन्यू ना हो, उस चीज़ को वहीं दबा के स्टॉप करना चाहता कि ऐसे केसेस ना हो। तो गाइस, बस एक छोटा सा वीडियो था। बाय, टेक केयर।